हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आज फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर आए हैं आप लोग से बात करने। आज भी कुछ ऐसा ही कहानी बताने जा रही हूँ दोस्तों। सुनकर आप लोग चौंक हो जाइएगा कि रियल में ऐसा भी कुछ बात ऐसा होता है, और जो भी हम बताएंगे एकदम रियल में सच बताएंगे, कोई इसमें ये नहीं है। आंखों देखा हुआ चीज हम बताएंगे आज। आप लोग भी कहिएगा कि आज के जमाने में इस तरह का होता है, थोड़ा सा ही बात पर गौर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। आंखों देखा हुआ चीज आप लोग आज बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज एक क्या हम बताएं, 50 साल के आदमी थे, उनके बेटा बेटी सब था, बेटा बेटी है, सब एजुकेटेड, अच्छा, ये भी नहीं है कि मैंने किसी तरह का कोई दिक्कत, अच्छा एजुकेटेड, सब बाहर पढ़ने लिखने वाले, एकदम बेड रेस्ट पड़ गई थी वो बूढ़ी औरत, 3 दिन बेड पर से उठी नहीं। हम लोग गए थे देखने उनको कि आखिर क्या हाल है। हम गोतनी भी गई थी, आवा हो आवा ना, हम और गोतनी दोनों आदमी उनके देखने गए थे। देखिए मेरी गोतनी भी कह रही है, आव तनी तू हो बता दो, हम का वो दिन गई रही जा, का भइल वो दिन गई रही जा, वो औरत जो पिटाई थी, इतना मार मारे थे उसके हस्बैंड, बोल दा कि उनका क्या मैटर था, वो किस तरह बेरहमी से उतना बूढ़ा आदमी मारा है, का कीजिएगा, यही अथवे है। हर कोई औरत देख कर हम लोग का इतना तरस आ गया, इतना तरस आ गया कि आज के जमाना में इस तरह का आदमी होता है। आज का जमाना है कि आदमी कहता है बीवी का गुलाम, सच में देखते हैं इतना मन खुश होता है आज के जेनरेशन में। गए देखने, उसके बाद क्या हुआ कि बेचारी एकदम बेड रेस्ट पड़ल थी, हम लोग का दोस्त थी, एक साथ उठना बैठना, बेचारी इतना भले आदमी थी, इतना अच्छा दोस्त थी, और उसका बुद्धि विचार मैंने हर चीज इतना साफ सुथरा बढ़िया, झगड़ा लड़ाई भी नहीं करने वाली थी, लेकिन उसके पति एक नंबर लंगटा। बात ऐसे तो हमेशा सुनते थे, बात बात में झगड़ा करना, एकदम उसको नीचा दिखाना, अपने आप को लगता है कि मैंने कितना हम महान है। देखो होता है आदमी दोस्ती करके महान बनना, एक होता है कि औरत को नीचा दिखा कर महान बनना, दोनों में बहुत फर्क होता है। पति पत्नी का प्यार ऐसा होता है, दुनिया में कहीं भी पत्नी पत्नी का प्यार ऐसा होता है, ये बनावटी नहीं किया जाता है, प्यार किसी से किया नहीं जाता है, चाहे पति पत्नी हो, माँ बाप हो, या भाई बहन हो, कोई हो, प्यार किया नहीं जाता है, प्यार अपने आप इतना लगाव हो जाता है। लेकिन यही हम देखें उस औरत को कि अब उसका प्यार मजबूरी में हो या दिल से हो, अब तो भगवान जानते हैं कि पति के प्रति क्या उसका प्यार है, प्यार वही होगा, अब तो मजबूर हो गई है कि उसके जिंदगी में वैसा ही आदमी मिला, कोई तरह का ये नहीं, जो मन में आया वो कर देते हैं, मारना है तो मारना है, खाना नहीं देना है तो नहीं देना है, मैंने उनका यही हम देखे, बगल में है, हमेशा देखते हैं, जो कह देंगे यहाँ खड़ा रहना है तो खड़ा रहना है, इतना क्या हम कहें नलायक। अगर मेरे हाथ में रहते तो उनको हम बहुत क्या, लेकिन कुछ नहीं कर, कोई कुछ नहीं कर पाता है, ये बात आजमा लिए हैं। जिसके बेटा हो या पति हो या जिसके घर में जो जैसा है, अगर कहावत कहा जाता है कि लंगटई, जो आदमी चाहे जो औरत लंगटई पर उतर जाती है, तो कोई भी आदमी सोचता है कि चलिए तुम ही महान रहो, महान बन के रहो अपने आप के, लेकिन उसके साथ में जो रहने वाला है आदमी सोचता है कि चलो हम ही गिर जाएं और तुम ही महान बन के रहो, उसी में भलाई है। दोस्तों आप लोग से भी यही कहेंगे, जितना जहाँ तक हो सके किसी को महान बनाकर या किसी के सामने गिरकर काम निकल जाए, वो उसी में सबसे बड़ा भलाई है।
बेचारी 3 दिन बेड रेस्ट हुई, चौथा दिन फिर हम लोग गए देखे कि उठकर थोड़ा सा अपना काम धंधा कर रही है, थोड़ा सा अच्छा है। और उसके बाद फिर वैसी ही हो गई, बोली कि क्या हम करें, मेरा जिंदगी में मेरा किस्मत में यही है, ये है, तो हम इसको क्या कैसे बदल सकते हैं, कोई दोस्तों नहीं बदल सकता है। वो भी अपना मान गई कि मेरा किस्मत में ही यही है, ना इसको हम बदल सकते हैं ना फेर सकते हैं, कपड़ा तो नहीं है ना कि हम आज फेर कर दूसरा ले लें या उसको नहीं पहने हम दूसरा खरीद के पहन ले, अब तो यह जिंदगी जन्म जन्म के लिए वो हो गए। ऐसा बात नहीं है, कभी कभी सुख भी मैंने देखते हैं कि पूरा हंसी खुशी अच्छा से बात मानना, घूमना फिरना ऐस करना अच्छा, मैंने कभी मूड अच्छा रहता है, लेकिन यही है कि जब मूड बिगड़ जाता है तो वो आदमी इतना मैंने बुरी तरह से, इतना क्या हम कहें, कहने का कुछ मेरे पास शब्द नहीं है, इतना कसाई की तरह हो जाते हैं। अगर कोई ना रहे तो वो आदमी ऐसा नालायक है मार के मुंगा भी सकता है, अगर कोई धरने वाला नहीं है। वैसा आदमी के साथ विश्वास करना और सोचिए कि हमें मैंने अपना दिल की बात शेयर करना, पति पत्नी होते हैं इस तरह का कि अपना एक दुख दर्द शेयर करना चाहे करना, ये सब कुछ नहीं है। अब अपना दुख अपने दिल में रखिए, दबा के रखिए ना, तो वो आदमी कोई किसी का नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि हम पूछें कि आखिर आप क्यों इतना मार पीट झगड़ा लड़ाई हुआ फिर भी आप एकदम अच्छा से क्यों रह रही हैं, तो बोली कि क्या करें, हम कर ही क्या सकते हैं, अगर बेटा बेटी से भी कहेंगे और कुछ विशेष बताएंगे तो बेटा बेटी बर्दाश्त नहीं करेगा, माँ बेटा बाप बेटा में झगड़ा हो जाएगा, बाप बेटी में झगड़ा हो जाएगा, फिर सहना हम ही को है। इसलिए सोचते हैं कि जहाँ तक होके, सोच रही थी कि जहाँ तक होके हम दबा के चलें, इसलिए कि कह रही थी कि मेरा बेटा बेटी सब एजुकेटेड है, अच्छा है, पढ़ा लिखल है, भले ही इस तरह का हो गए हैं लेकिन बेटा बेटी सब अच्छे हैं, अगर बाल बच्चा से कहते हैं तो उनका पर बुरा असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा खीस में, उन लोग भी कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, अच्छा बात नहीं है। इसीलिए फिर हम अपना आंसू पोंछ के और फिर जैसे के तैसे अपना रहने लगते हैं, यही सोच समझ कर कि चलिए आंसू। दोस्तों हम आप लोग से यही कहेंगे कि 4 दिन का जिंदगी हंसते रहिए, खेलते रहिए, और पत्नी आई है उनके साथ एक दोस्त बनकर अपना एंजॉय करते रहिए, इस तरह का आप लोग कभी मत कीजिएगा। दोस्तों माँ बाप को भी देखिए, लेकिन अपनी पत्नी को अपने बच्चे को एकदम खुशहाल रखिए, और जिस जगह पर माँ बाप है उसके मुताबिक उसको भी कदर कीजिए, और जिस तरह की पत्नी है बच्चे हैं उन लोग का क्या कदर है उन लोग का कदर कीजिए, उसके जैसा नहीं, वो आदमी जैसा ना, माँ को ऐसा बात नहीं है कि वो अपने बीवी को ही मारता है, हम देखे हैं बगल में, समय पड़ेगा तो माँ को भी बेइज्जत कर देगा, मैंने जो नहीं कहना चाहिए जो एक बेटा माँ को नहीं करता है उस तरह वो कर देता है आदमी एगो होता है इस तरह का आदमी। लेकिन दोस्तों आप लोग इस तरह मत कीजिएगा, आप लोग से हाथ जोड़ी है, विनती है, ऐसा जिंदगी औरत का होता है कि न घर के रहती है न घाट के रहती है, इसलिए औरत को खुश रखिए, एकदम खुशहाली जिंदगी जिए, और कोई कोई तो औरतें हो जाती है चंडाली का, उसका कहना नहीं है कि जेंट्स से करता है, कोई कोई औरत भी हो जाती है। अगला दिन आप लोग को, और एक औरत है मेरे मोहल्ला में, उनके बारे में भी आप लोग को बताएंगे, लेकिन आज उस हंसना नहीं चाहिए, उसका दशा देखकर, उसका देखकर हमको बहुत माया लगता है। दोस्तों क्या हम कहें, और वैसा ही नहीं वो आदमी ऐसा है, हम पूछें कि इतना झगड़ा हुआ मारपीट हुआ आपके लिए कुछ दवा ववा लाएं, तो बोली कि दवा क्या दोस्त, दवा कह रही हैं, वो आदमी दवा ला कर हमको देगा, वो आदमी और हमसे कहेगा कि ये काहे नहीं की, वो काहे नहीं की, और जबरदस्ती अगर आप अचेत निंद्रा में भी हैं तो आपको उठाकर और कहेगा कि पानी लाओ, खाना लाओ, चाहे मैंने कोई भी काम है करो, ये नहीं कि उसको इतना तकलीफ है या सो गई है या उसको
माने रेस्ट में है तो उसको छोड़ दें या मया करें कि चलिए दवाई ला दें। चाहे हो सकता है आदमी कहता है कि चलिए खीस में कर दिए, छोड़ो हटाओ, वो सब बात नहीं है। नहीं, अगर मार भी देता है, झगड़ा भी हो जाता है तो गिरने वाला आदमी नहीं है, यही हम उस आदमी में देखें। लेकिन ऐसा भी बात नहीं है घर में ऐसा करता है, बाहर में मैंने एक सामाजिक आदमी है, अच्छा आदमी है। ये नहीं कि मैंने दारू पीना, झगड़ा करना, लंगटाई करना, समाज में भी नाम अच्छा है, लेकिन यही है कि कभी कभी अपना दिखा देता है रंग। दोस्तों, हम आप लोग से यही कहेंगे आज के बाद, जो भी हम कहेंगे सच कहेंगे, रियल कहेंगे, आंखों देखा हुआ चीज कहेंगे। अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसा कीजिएगा कि आप लोग से हमेशा मिलें और आप लोग से भी कुछ कुछ कहें, सुने। अच्छा लगता है आप लोग से बात करने में हमको, प्रतिदिन हम सोचते हैं कि हमेशा आप लोग से बतियाते रहें। अपना जो सखी सहेली, अगल बगल बाल बच्चा है तो है ये है, आप लोग को भी एक दोस्त मानकर हम सोचते हैं कि आप लोग से हमेशा बतियाएं और आप लोग के साथ रहें। एकदम चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि हम आपसे हमेशा मिलते रहें। यही दोस्तों।